गुड मॉर्निंग क्लास, आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है जो आपने इस सेशन में, इस क्लास में नहीं किया है हिंदी की नोटबुक में। वो क्या है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मीन्स एक्टिविटी। अब एक्टिविटी किस बेस पे है? एक्टिविटी आपने गिनती की थी ना हिंदी की नोटबुक में, ये गिनती के बेस पे है और इस एक्टिविटी को आपको खुद करना है। ओके, मैम आपको एक्सप्लेन करती है आपको करना क्या है। रिक्त स्थान, गिनती किस पे है? रिक्त स्थान गिनती पे बेस्ड है। रावण के डैश सिर होते हैं, अभी आप बताएंगे रावण के कितने सिर होते हैं, मैम आपकी हेल्प नहीं करेंगी, जितने भी होते हैं आपको यहाँ पर फिल करना है। रावण के डैश सिर होते हैं, एक होता है, दो होते हैं, तीन, चार, दस, बारह, जितने भी होते हैं मैम नहीं बताएंगी आपको। एक साल में डैश महीने होते हैं, कितने महीने होते हैं एक साल में, सभी को पता है, तो आपको यहाँ पर वो फिल करना है। जैसे जनवरी, फरवरी, टोटल कितने महीने हैं पता है ना आप सबको, आपको इधर लिखना है और आपको इसको स्पेलिंग में लिखना है। ऐसे कोई नहीं लिखेगा एक एक, आपको ऐसे नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, नो, आपको स्पेलिंग लिखनी है। ओके, आपको न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं लिखनी, आपको नंबर नेम्स में लिखना है, आप मैथ्स में करते हो नंबर नेम्स, आपको उस फॉर्म में लिखना है। ओके, डैश रंगों से इंद्रधनुष बनता है, सभी ने बारिश आई तो इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष के बारे में पढ़ा भी होगा, तो आपको बताना है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, उन रंगों की संख्या बतानी है। आपको इधर लिखना है डैश रंगों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष तो बादल में आता है ना, पढ़ा था ना आपने बादल वाली पोएम में। महाभारत में डैश पांडव थे, कितने पांडव थे महाभारत में? अभी लॉकडाउन हुआ जब महाभारत टीवी पर आई थी, सबने देखी होगी ना, अगर आपने देखी हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि महाभारत में कितने पांडव थे। आपको इधर लिखना है कितने पांडव थे, संख्या लिखनी है पांडवों की। गाड़ी में डैश पहिए होते हैं, सभी ने देखी है ना कार, कार देखी है, बस भी देखी है, तो कितने पहिए होते हैं कार में, आपको उसकी संख्या यहाँ पर लिखनी है। षटकोण की डैश भुजाएँ होती हैं, सभी ने पढ़ा ना सात से षटकोण, कितनी भुजाएँ होती हैं षटकोण की, मैम नहीं बताएंगी, इस बार आपको ये एक्टिविटी खुद करनी है। ओके, और आप जो अंडरलाइन है इसमें आप क्रेयॉन्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसमें कलर यूज़ नहीं करने हैं। और एक्टिविटी बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में और क्रिएटिवली करनी है एकदम। ओके क्लास।